French macaroons are considered as one of the most expensive cookies, and there are two reasons behind it. Number one, expensive ingredients, and number two, its technique. Today in this video, we're gonna simplify all the techniques. Hey you magical people, welcome to Salt and Sugar Saga, and today we are making French macaroons. वो भी हिंदी में, as many of the viewers requested. तो शुरू करते हैं सबसे पहले, and the foremost step is to weigh all your ingredients. So all my ingredients, I'm gonna start with almond flour. आमंड फ्लावर इज बेसिकली हमारा ब्लांच्ड आमंड्स को पाउडर कर दिया है. आजकल बाजार में इजीली आपको मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है पर आसानी से मिल जाएगा. 100 ग्राम आमंड फ्लावर के साथ मैंने यहाँ पे कन्फेक्शनर शुगर लिया है 180 ग्राम्स. कन्फेक्शनर शुगर लेते वक्त ध्यान रखें, इस रेसिपी के लिए हमें कन्फेक्शनर शुगर के अंदर कॉर्न फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप लें तो इस बात का ध्यान रखें पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में कॉर्न फ्लावर ज़रूर हो उसमें. तो अब मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स को अपने फूड प्रोसेस में डाल लिया है और 4 to 5 टाइम के लिए मैं उसे पल्स करूँगी, और तब तक करूँगी जब तक वो फाइनली ग्राउंड नहीं हो जाए, और मुझे वो लंप फ्री चाहिए. तो सीम्स लाइक डन. तो अभी ये हो गया है तो हम इसको सिफ्ट कर लेंगे. सिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उसको स्किप नहीं करें. सिफ्ट करने से आपके अगर कोई भी छोटे छोटे उसमें लम्स रह गए हैं तो वो निकल जाएंगे. Hey guys, if you haven't yet, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll be notified all the times. और अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज थम्स अप बटन जरूर प्रेस करें. आमंड मिक्सचर और कन्फेक्शनर शुगर मिक्सचर जो है मेरा वो रेडी है. अब हम इसको साइड कर देंगे, और अब मैं अपना नॉर्मल जो कैस्टर शुगर है उसको हम पाउडर कर लेंगे. 35 ग्राम्स ऑफ पाउडर कैस्टर शुगर मैंने यहाँ पे लिया है. पाउडर करना बहुत जरूरी है, डोंट स्किप इट. Now I've taken my aged egg whites. Aged egg whites से मतलब है कि मैंने एग योक और एग वाइट को सेपरेट करके 24 आवर्स तक रखा है. आप उसको फ्रिज में रखें, और जब आपको बनाना है तो 4 to 5 आवर्स बिफोर आप एग वाइट को रूम टेम्परेचर पर रखने के लिए निकाल लें. Now I'm adding cream of tartar. दोबारा से बीट करेंगे. क्रीम ऑफ टार्टर आपको तब डालना है उसमें जब आपको दिखे कि वो हल्का फोमी हो गया है, तब आप उसके अंदर क्रीम ऑफ टार्टर ऐड करें. 2 to 3 मिनट्स बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करना शुरू करूंगी. पाउडर शुगर मैं उसके अंदर धीरे धीरे ऐड करूंगी, एक साथ नहीं ऐड करना है पाउडर शुगर. हम उसके अंदर धीरे धीरे 4 to 5 टाइम्स में ऐड करेंगे. I'm adding almost a tablespoon of powdered sugar every time and beating it. ओके, सो बीट करने के बाद अभी हम चेक करेंगे हमारा मरीन जो है वो रेडी है या नहीं. तो आप देख सकते हो कि जब मैंने अपने बीटर को निकाला है तो उसमें वो सॉफ्ट बीक आया है. सॉफ्ट बीक मतलब वो टिल्ट हो रहा है बीक, तो ये नहीं होना चाहिए. हमें स्टिफ बीक्स चाहिए. स्टिफ बीक्स आएंगे तो दैट मीन्स हमारा बैटर, हमारा मरीन जो है वो रेडी है. सो सी Now, see, it's holding its beak. That means it's ready. अब हमारा मरीन रेडी है, हमारा आमंड और कन्फेक्शनर शुगर मिक्सचर रेडी है. अब हम स्क्रेप करके इसको इसके अंदर अपना ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे. मैं 3 बैचेस में ऐड कर रही हूँ अपना ड्राई मिक्सचर. उसको मिक्स करने के लिए वी विल यूज कट एंड फोल्ड मेथड. उसको कट करना है, फोल्ड करना है,
कट करना है और फिर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट को मरीन के अंदर फोल्ड करेंगे। डोंट फॉरगेट टू स्क्रेप द बॉटम ऑफ द बोल, क्योंकि कई बार हम पूरा बैटर जो है उसे फोल्ड कर लेते हैं और नीचे से ड्राई फ्लावर जो है, ड्राई बैटर है, वो रह जाता है। तो आपको मेक श्योर दैट कुछ भी नहीं रहे, अच्छे से सब फोल्ड होना चाहिए उसके अंदर। अभी ये कैसे पता चलेगा कि हम ओवर मिक्स तो नहीं कर रहे, हमारा जो बैटर है मैक्रोन्स का वो रेडी है या नहीं है? वो ऐसे पता चलेगा जब आप अपना स्पैचुला जो है उसको उठाएंगे तो वो ऐसे थिक रिबन्स बनाएगा। देखिए, अब मैं अपना ये स्पैचुला आपको उठा के दिखा रही हूँ कि जब ये ड्रॉप हो रहा है बैटर तो ये ऐसे थिक रिबन फॉलो कर रहा है, प्रोमिनेंट है, वो विजिबल है आपको, वो बैटर के अंदर मिक्स नहीं हो रहा। दैट मीन्स मेरा बैटर जो है वो रेडी है मैक्रोन्स बनाने के लिए। तो नाउ बिकॉज आई एम एडिंग कलर इन माय मैक्रोन्स, अगर आप चाहते हैं आप बिल्कुल उसे अभी पाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर ऐड कर रही हूँ। तो कलर ऐड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बैटर में से थोड़ा सा बैटर अलग से लेकर फिर उसमें कलर ऐड करें। अगर आप पूरे मिक्सचर में, पूरे बैटर में कलर ऐड करोगे तो बहुत ओवरवर्क हो जाएगा बैटर के साथ, एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके मैक्रोन्स जो हैं वो अच्छे नहीं बने। अच्छे नहीं बने से मेरा मतलब है या तो वो फ्लैट हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। सो वी डोंट वांट दैट। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक अ बैटर, लिटिल बैटर, ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ बैटर। आई हैव एडेड फ्यूशिया कलर इन दैट एंड नाउ दिस आई विल ऐड दिस कलर्ड बैटर इनटू द नॉन कलर्ड बैटर। अगेन बैटर मिक्स करते वक्त ध्यान रखें कि आप ओवर मिक्स नहीं कर रहे हैं, ओवरवर्क नहीं कर रहे हैं बैटर के साथ, ये बहुत जरूरी है। ओके, नाउ आई हैव टेकन अ पाइपिंग बैग और अ पेस्ट्री बैग, इट्स अ यूज एंड थ्रो। अगर आपके पास वॉशेबल है, रीयूजेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हो। और उसके साथ मैंने ये 2D विल्टन का टिप लिया है। बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी बैटर की ऐसी है कि वो लीक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे इसको किस तरीके से, उसको ट्विस्ट करके, एंड विल पुट दैट इनटू आवर विल्टन टिप। अब मैं उसको ग्लास के अंदर रख रही हूँ पाइपिंग बैग को, एंड आई एम मेकिंग अ कैविटी प्रॉपर सो दैट आई कैन फिल दैट प्रॉपरली। डोंट हैव टू फिल कम्प्लीटली, फिल हाफ वे ओनली, सो दैट जब आप उसको पाइप करें तो आप बहुत सारे बैटर के साथ ओवरवर्क नहीं करें। ओके, एंड हियर आई हैव मेड अ गाइड फॉर माइसेल्फ, अ टेम्पलेट गाइड, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट दैट राइट नाउ। सो ऊपर से आप उसमें पार्चमेंट पेपर रखें और नीचे अपने टेम्पलेट को रखें, एंड देन यू कैन पाइप 3-4 सेंटीमीटर राउंड्स। If you are good enough, you can just keep an eye on that and round them. Okay, pipe हो गए हैं। अब मैं वो नीचे से अपना template निकाल लूंगी। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब इसे हम जेंटली टैप करेंगे सो दैट अगर उसमें कोई भी बबल, कोई भी एयर है तो वो निकल जाए। ये मैं थोड़ा सा बैटर जो है उसके कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ सो दैट शीट जो है वो स्लिप नहीं करे, एंड आई कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट।
ओके, अभी ये हमारा ओवन में जाने के लिए रेडी नहीं हुआ है, इसको अभी हमने 40 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है, तब तक रखना है जब तक कि हम उसे टच करें और वो टैकी नहीं हो, यानी हमारे फिंगर से चिपके नहीं बैटर. सो लेट इट रेस्ट फॉर 40 मिनट्स एंड जब आप उसे टच करेंगे तो देखिए बिल्कुल भी वो बैटर जो है वो आपके हाथ फिंगर पे लगना नहीं चाहिए. अब ये रेडी है, अब हम इसको 325 डिग्रीज पे 4 टू 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं. अब उसके अंदर गनाश हम फिल कर रहे हैं. अगर आप चाहते हैं तो आप जैम डाल सकते हैं, बटर क्रीम डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो फिलिंग आपको पसंद है आप मैक्रून्स के अंदर उसे सैंडविच कर सकते हैं. बट टुडे आई एम डूइंग चॉकलेट गनाश एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग चॉकलेट एंड हैवी व्हिपिंग क्रीम. और उसके साथ मैंने यहाँ पे वेजिटेबल शॉर्टनिंग लिया है. अगर वेजिटेबल शॉर्टनिंग आपके पास नहीं है तो आप बटर ले सकते हो, आप इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हो, बट मैं आज माइक्रोवेव में कर रही हूँ. ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है बेसिकली दिस इज वेजिटेबल शॉर्टनिंग ओनली, सो आई विल जस्ट मिक्स एवरीथिंग देयर सो दैट गनाश जो है वो प्रॉपरली अच्छे से स्मूथ हो जाए. अब मैंने 1/4 कप जो है वो पाइप इसमें ज़िपलॉक बैग में ले लिया है और बाकी जो है वो क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए. थोड़ा फैंसी बनाते हैं अपने मैक्रून्स को. अब या तो आप इंडिविजुअली मैक्रून्स को लेकर इस तरीके से उसमें पैटर्न बना सकते हैं, लेट मी शो यू अनदर वन एज वेल, देखिए इस तरीके से, या फिर आप सारे मैक्रून्स को इकट्ठे रखकर एंड देन यू कैन जस्ट मेक दैट पैटर्न. दे आर लुकिंग ऑलरेडी सो गॉर्जियस. सो हमारा गनाश भी रेडी है और सीम्स की सेट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं. Same good. Again, मैं इसको ziplock bag में pipe कर लूँगी. As I said, आप इसके अंदर कोई भी अपने favorite filling को pipe कर सकते हैं. डल्चे डिलाचे आप चाहते हैं उसको पाइप कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं फ्रेंच बटर क्रीम पाइप करना, स्विस मरीन पाइप करना, आपको जो उसके अंदर फिल करना है, सिंपल बेसिक जैम अगर आपको कोई पसंद है वो पाइप कर सकते हैं. बट बी केयरफुल, ओवर पाइप नहीं करना हमने उसको, अदरवाइज वो ड्रिप होना शुरू हो जाएगा बाहर जब हम उसे सैंडविच करेंगे. मैक्रून्स आर बेसिकली टेस्ट वे बेटर अगर आप उसको नेक्स्ट डे खाएं, लेकिन अगर आप अभी खाना चाहते हैं बिल्कुल अभी खाइए, बट आई प्रेफर देम नेक्स्ट डे क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है. तो इसे फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे इंजॉय करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग सॉल्ट एंड शुगर सागा. टेक केयर. बाय बाय.